मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जिसमें कैसे कंज्यूमर किसी की शिकायत कंज्यूमर फोरम में कर सकता है इस बारे में संक्षेप में बताने जा रहा हूं। देखिए मित्रों, सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कंज्यूमर होता क्या है। कंज्यूमर अर्थात ग्राहक जो सेवा ले रहा है और सेवा देने वाला जो है वो दुकानदार है। कोई भी माल जब आप परचेज करते हैं दुकान से, कमर्शियल को छोड़कर, जैसे मोटरसाइकिल इकट्ठी मंगाई, फ्रिज मंगाए, स्कूटर मंगाए, कार मंगाई, वो इसमें नहीं आता कंज्यूमर फोरम के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ये मैं आपको बता दूं, कंज्यूमर अर्थात उपभोक्ता वो है जो किसी माल को खरीदता है, उसकी सर्विस या सेवा या गुड्स में कमी रह जाती है तो या तो वो दुकानदार माल को वापस ले या फिर उसको नया दूसरा दे या पैसे वापस करे। तो जब कंज्यूमर की सेवा में कोई कमी आती है तो वो कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटा सकता है। इसके लिए कंज्यूमर फोरम बने हुए हैं, जिला स्तर पर भी है, राज्य स्तर पर भी है और नेशनल लेवल पर भी है। जिले, हर जिले में, प्रत्येक जिले में लगभग कंज्यूमर फोरम है, जिला उपभोक्ता फोरम जिन्हें कहा जाता है। इसमें 1 करोड़ तक के माल की जो वस्तु आपने खरीदी है उसके दावे जिला उपभोक्ता फोरम में जा सकते हैं। 1 से 10 करोड़ तक के स्टेट कंज्यूमर फोरम में आप दावा लगा सकते हैं और 10 करोड़ से ऊपर के आप नेशनल कंज्यूमर फोरम जो राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग कहलाता है, नई दिल्ली में है, वहां पर दावा ले जा सकते हैं। दूसरा, अपील में भी आप जा सकते हैं। किसी आदेश से आप असंतुष्ट है, चाहे वो जिले की हो, राज्य की हो, नेशनल की हो, तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। दूसरा, ये कॉज ऑफ एक्शन या वाद कारण कब उत्पन्न होता है, जब कोई आपने माल खरीदा वो आपकी उस क्वालिटी का नहीं है, पैकेज उस क्वालिटी का नहीं है, आपने उसे नोटिस दिया, उससे कहा माल बदलने की, उसने आनाकानी की, आपकी सर्विस में कमी रखी, तो आप इसमें जिला उपभोक्ता, जैसा मैंने बताया, 1 करोड़, उसके बाद 1 करोड़ से 10 करोड़, फिर 10 करोड़ से ऊपर नेशनल कंज्यूमर फोरम। कॉज ऑफ एक्शन अराइज होते ही आप लीगल नोटिस दे सकते हैं, स्वयं ड्राफ्ट कर सकते हैं। इसकी शिकायत ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होती हैं। यदि आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं तो स्वयं भी कर सकते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल के माध्यम से भी आप भेज सकते हैं। नहीं तो किसी अच्छे अधिवक्ता जो कंज्यूमर फोरम की जानकारी रखते हैं उनके पास जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज कंज्यूमर फोरम में करा सकते हैं। वहां पर क्षेत्राधिकार के हिसाब से, जैसा मैंने अभी बताया कि जहां से माल आपने खरीदा है या आप जहां निवास करते हैं या जहां प्रतिवादी निवास करता है या जहां पर कंपनी का ऑफिस है, उन्हें पक्षकार बना सकते हैं। 3 प्रति में आपको ये शिकायत पेश करनी होगी जिसमें 1 अध्यक्ष और 2 मेंबर होते हैं। इसके अलावा जितने डिफेंडेंट या प्रतिवादी जिनके विरुद्ध आपने शिकायत की है उतनी कॉपियां देनी पड़ेंगी, सारे रेलिवेंट दस्तावेज देने पड़ेंगे, माल जो खरीदा है उसकी गुड्स की कोई रसीद या रिसीट या बिल जो भी आपको मिला है वो आपको उसकी फोटोकॉपी देनी पड़ेगी, पेश करनी पड़ेगी, सपोर्टेड बाय एफिडेविट। शिकायत दर्ज होने के बाद इसका समय जिले के अंदर, जैसे मैंने बताया, 10:30 से 1:30 बजे तक रहता है। उसके बाद अगर आपका मामला सही पाया जाता है तो रजिस्ट्रेशन होगा, प्रतिवादी गण को नोटिस जाएगा, 3 महीने से 6 महीने के अंदर कंज्यूमर फोरम को उसको डिसाइड करना होगा, शिकायत को दोनों पक्षों को सुनेंगे वो, उसके बाद दोनों पक्षों के एफिडेविट पर एविडेंस वगैरह दे सकते हैं आप। अगर उनको लगता है कि वास्तव में आपके साथ अन्याय हुआ है, गुड्स और परचेज जो भी आपने लिया है वो सही ढंग से आपको नहीं दी गई है, तो वो आपके दावे को स्वीकार करते हुए और उस शिकायत को स्वीकार करके उनके विरुद्ध जो भी आपने अंतोचा रिलीफ मांगा है आपको दिला देंगे। इसमें इंटरेस्ट पेनल्टी भी लगाई जा सकती है, माल वापस करने के लिए भी कहा जा सकता है और अन्य कोई शर्त जो उपभोक्ता फोरम उचित समझे लगा सकता है। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। कमर्शियल जो आप थोक में कोई चीज़ मंगाते हैं और फिर उसको बेचते हैं वो केसेस इसमें नहीं आएंगे। इसके अलावा आप फ्रिज लेते हैं, स्कूटर लेते हैं, टीवी लेते हैं, अन्य कोई माल खरीदते हैं और वो एज पर विश आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं मिलता है तो ये आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। तो ये उपभोक्ताओं के लिए एक अत्यंत सराहनीय कदम है, सरकार का एक अच्छा अधिनियम है 2019 में। इसमें तमाम संशोधन किए गए, लिमिट भी बढ़ाई गई, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो ये आप उपभोक्ता फोरम का लाभ लेकर कोई भी माल जो आप या गुड सर्विसेज हैं, चाहे वो केबल से संबंधित हो, बैंक से संबंधित हो, आपको चाहे किसी म्यूचुअल फंड से संबंधित हो, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है आपको इस तरह की सेवा में कमी रखता है तो आप उसके खिलाफ ये कंज्यूमर फोरम में लगाकर, रेलवे में गए, फ्लाइट में, ट्रेन में गए, बस में गए,
किसी तरह की सेवा में कमी अगर आपको आपके पास सफिशियंट एविडेंस है तो एफिडेविट के माध्यम से 3 प्रति में दावा लगाकर प्रतिवादी के विरुद्ध आप रिलीफ प्राप्त कर सकते हैं। ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको देने का प्रयास किया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मित्रों दोस्तों को भेजिए और जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। मैं आपका आभारी हूँ। आपको नए नए छोटे छोटे कानूनी बिंदुओं पर मैं इस चैनल पर वीडियोस के माध्यम से आपकी जानकारी को बढ़ा रहा हूँ। इससे व्यापारी वर्ग, विद्यार्थी वर्ग, लॉ से संबंधित जुड़े हुए लॉ फ्रेटर्निटी के लोग तथा आम पब्लिक सभी लाभान्वित हो रहे हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल पर इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद। नमस्कार।